हरुंदा तहसील के नीलकंठ घाट पर भगवान भोले के मंदिर पर बिजली गिर गई। वहां पर उपस्थित लोगों ने बताया कि बहुत तेज रोशनी हुई और शिवलिंग को क्षति हुई। मंदिर के ऊपर लगी टाइल्स को तोड़ते हुए अंदर बिजली प्रवेश की, शिवलिंग के ऊपर गिरी। शिवलिंग में 2 इंच के लगभग छेद हो गया। जब मौके पर जाकर देखा तो ये बात सत्य भी निकली और जो घटना घटित हुई वह ईश्वरीय रूप में देखी जा रही है। गाँव वालों का कहना है हम सभी की विपत्ति और संकट भगवान भोले ने ले लिया, इसलिए यह घटना हमारे ऊपर ना होते हुए भोले बाबा ने अपने ऊपर ले ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन, SDOP दीपक कपूर और SDM मदन सिंह रघुवंशी मौके पर पहुंचे और आम जनता को दूर कर पूरी घटना के विषय में जानकारी ली। लगन से आए ऐसे तो यहाँ रखे, और फिर मैंने वो इसको ये लड़के को बुलाया, मैंने बोला चल राज भैया स्नान करके आता हूँ, थोड़ा गरीब में गर्मी टाइप लग रही है, तो मैंने इसको लेके नाव में जैसे ही मैं वो संगम तीर्थ पे पहुंचा हूँ बस एक बहुत बड़ा प्रकाश दिखा, ऐसे लगा कि हाँ दिखा यही मंदिर है, ये पूरा सब इधर ही खूब प्रकाश दिखा, तो मुझे लगा कि ये बिजली की घगराहट हो रही, कहीं बिजली बिजली गिरी होगी। उस समय आप कहाँ थे? हम घाट पे थे सर जी, तीन लोग थे, इधर कोई नहीं था, पूरा सन्नाटा था सर जी, एकदम सुनसान। हमारे 11 ब्राह्मण भोजन बना रहे थे। फिर उसके बाद जब हम ऊपर आए तो देखा ये मूर्ति फट गई और ये बिजली का तार जो है हमारे ऊपर आया। आप तो मंदिर में अंदर गए ना? नहीं, पहले मंदिर में नहीं गए। हाँ। बिजली का तार अपना बाल बाल झटकने लग गए और इधर कपड़े पड़े फैलाने लग गए, बाद में इधर गए तो देखा मंदिर की मूर्ति फटी। तो मैंने तार चेक करने के लिए गया था क्योंकि ये तार टूट के मेरे बिस्तर पे गिरा था, तो मैंने सोचा करंट वरंट तो नहीं फैल गया, तो मैं इसको बंद करने के चक्कर में गया तो वो मूर्ति फटी हुई दिखी, बस शरीर कांपने लग गई। मैं 3 बजे यहाँ चल जाता, मेरा कार्यक्रम चालू हो जाए, ये बोला अभी आया मैं तो 5:30 बजे। महाराज मूर्ति थी कि शिवलिंग था? शिवलिंग। अरुंधा से नफीस मंसूरी की रिपोर्ट।